हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मॉम आइडियाज़ में। आज मैं आपके लिए न्यू डिज़ाइन का डोरमेट की वीडियो लेकर आई हूँ। इस डोरमेट में मैंने 32 फंदे से बनाया। जब भी इस डोरमेट को बनाएं, आप 2 के मल्टीप्लाई फंदे रखें। चलो बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक कली बना के तैयार कर लिया है। इसी तरह हम सेकेंड कली बनाएंगे। तो सिलाई में मैंने 32 फंदे डाल के फ्रंट साइड और बैक साइड मैंने 2 सिलाई उल्टा उल्टा बना के कम्प्लीट कर लिया है। थर्ड रो से हम डिज़ाइन बनाएंगे। सभी फंदे हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। लास्ट के 2 फंदे को हम बिना बुने छोड़ेंगे। ये ऊन बहुत पतली थी, इसलिए को मैंने डबल कर लिया है और ये 10 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ मैं। ये 2 फंदे मैं यही छोड़ दूंगी, ऊन को टर्न करूंगी। इस साइड भी हम लास्ट में 2 फंदों को छोड़ेंगे। जब भी ये डोरमेट बनाए तो आप 2 के मल्टीप्लाई फंदे रखें। तो इस साइड भी हम 2 फंदों को छोड़ेंगे और फिर बैक साइड फिर बुन के हम 2 फंदों को छोड़ेंगे। इसी तरह 2-2 फंदे छोड़ लेती हूँ और मैं बी सेंटर पे आ जाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अब दोस्तों, मैंने 2-2 फंदे छोड़ते हुए बी सेंटर तक बना लिया है। चलो आपको ये फंदे गिन के बताती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस साइड से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16 फंदे इधर, 16 फंदे इधर। अब हम ये 16 फंदों को इस सिलाई में डाल लेंगे। अब दोस्तों, ये हाफ कली हमने बनाई येलो कलर से, तो इस तरीके से हम एक हाफ कली बनाएंगे। तो 16 फंदों को ही हम अब बनाएंगे। ये फर्स्ट वाला फंदा हम येलो कलर से बनाएंगे। यहीं से हम वापिस हो जाएंगे, एक फंदे को ही बुनेंगे हम। अब हम 2 फंदे बुनेंगे, फिर वापिस हो जाएंगे। ये लास्ट वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे ताकि हमारे किनारे की बाउंड्री चोटी जैसी आए। ये फंदा उतारेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे ग्रीन का। लास्ट वाला फंदा फिर सीधा बनाएंगे। फंदा उतारेंगे, ग्रीन वाला फंदा हम येलो से बनाएंगे एक फंदा। इसी तरह दोस्तों, एक एक फंदा हम इंक्रीज करते जाएंगे 16 फंदों तक के। और ये फर्स्ट वाला फंदा हम
एक सीधा बनाएंगे और बैक साइड से फिर हम ऐसे उतार लेंगे, तो ये हमारी किनारे की चोटी जैसी आएगी। तो मैं 16 फंदे तक बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। दोस्तों मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी अब एक फंदा बनाएंगे तो गेप भरने के लिए हम यहाँ से एक फंदा उठाएंगे। इसी तरह हम एक एक फंदे मैंने बीच में उठाए हैं। चलो एक बार और आपको बताती हूँ। फर्स्ट वाला फंदा हम उतारेंगे, सभी फंदे हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये 16 फंदा है, तो यहाँ पे गेप भरने के लिए हम एक फंदा उठाएंगे और दो फंदों का एक करेंगे। इसी तरह दोस्तों सभी जगह मैंने एक एक फंदा उठाया है। यहाँ पे बीच में एक एक फंदा मैंने उठाया है 16 फंदों तक के। अब ये 16 फंदों को हम बुन लेते हैं। और लास्ट वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब दोस्तों येलो कलर से हम दो सिलाई बनाएंगे, यदि इस रो को बनाना है तो, और यदि आपको नहीं बनाना है तो आप ग्रीन कलर यहीं से लगा सकते हैं। मैंने डोरमेट में ये येलो कलर से ये नहीं बनाया है, आप चाहे तो बना सकते हैं। फर्स्ट वाला फंदा हम उतारेंगे, यहाँ पे भी दोस्तों गेप भरने के लिए हम एक फंदा उठाएंगे, दो फंदों का एक करेंगे। दोस्तों इस कलर की धारी नहीं बनाना येलो कलर से, तो ये ग्रीन कलर से आप यहीं से आप बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये दो सिलाई बना लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। अब दोस्तों मैंने दो सिलाई येलो कलर से बनाई हूँ, तो इस तरीके से हमारी डिज़ाइन आई है। दो सिलाई मैंने ग्रीन कलर से बनाई हूँ। थर्ड रो से हमारी डिज़ाइन की शुरुआत होगी। जैसे हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट कली बनाई थी, दो दो फंदों को छोड़ते जाएंगे तो ये फुल कली बनेगी। और 16 फंदों में हम येलो कलर से एक हाफ कली बनाएंगे, यहाँ से एक एक फंदा हम इंक्रीज करते जाएंगे तो ये हमारी डिज़ाइन बनेगी। यदि आपको मेरी डोरमेट पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह मैं आपके लिए नए नए डिज़ाइन की डोरमेट बनाती रहूँगी।